बहुत सारे व्यक्ति हैं सो ये फॉर्म भरने में गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं फॉर्म जमा करते हैं, दिखलाते हैं कि सर सही भरे हैं कि नहीं, तो बहुत सारा त्रुटि उसमें रहता है। तो हम आप लोग को इसमें क्या सही तरीका है वो बताएंगे, अगर आप भरे हैं तो सही भरे हैं कि नहीं, आपका सही है कि नहीं वो भी चेक हो जाएगा, अगर नहीं भरे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका अर्थ बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते हैं, तो ये भी हम समझाएंगे, थोड़ा शॉर्टली हम चलेंगे, ठीक है, यानी शॉर्ट वीडियो, थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा, उसलिए थोड़ा मैं स्पीड में बोलेंगे, आप लोग कैच करने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कौन फॉर्म है, इतना समझिए, बंटवारा फॉर्म है, नहीं समझ में आता है तो ये बंटवारा फॉर्म है कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल जितना होता है इसके पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, ठीक है ये। और इसमें गलती क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रैयत लिखा है फर्स्ट में, तो रैयत का नाम, तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जिन व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चलता है या जो किसान है जिनके नाम से खतियान है उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे उन व्यक्ति का नाम लिखना है जो व्यक्ति इस जमीन को जोत रहा है। लिखा है कि दखल, उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, तो जो उत्तराधिकारी जो किसान है, किसान का जो पुत्र है पुत्री है जिनका जो जमीन पे दखल कब्जा है, यानी बंटवारा वगैरह करने के बाद जो जमीन मिला है, तो कौन जमीन कौन जोत रहा है उसका ही ब्यौरा यहाँ पे डालना है। तो वहाँ पे उनका नाम, किसान का नाम, यानी जो जिनको जितना हिस्सा मिले, कोई चार भाई हैं तो चार आदमी का नाम लिखाएगा, हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे सोनू जी हैं, क्या सोनू कुमार, क्या सोनू कुमार, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सोनू कुमार है, तो सोनू कुमार किसान है, इनका पिता का नाम लिख यहाँ, इनका पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम, अगर देखिए इसका परदादा के नाम से है तो जिन इनका परदादा के नाम से अगर जमीन है तो परदादा का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, इन्हीं का पिता का नाम लिखेंगे। ये बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं कि किसान का नाम यहाँ पे लिख देते हैं जिनके नाम से जमाबंदी चलता है, तो उनका नाम यहाँ पे भी नहीं लिखना है। सोनू कुमार अगर पोता है तो इनका बाप का नाम लिखाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि उत्तराधिकारी का जो दखल कब्जा है उसके बारे में आपको बताना है, और उत्तराधिकारी के रूप में पोता छेरपोता पोता पोती कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनका पिताजी का नाम जैसे हम लेते हैं राम सिंह, राम सिंह, तो राम सिंह लिख दिए, तो आपको ये दोनों गलती नहीं कर रहा। तीसरा में क्या है, बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं अस्थाई पता लिखा देगा, अस्थाई मतलब क्या है, जो फिक्स हो, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति रेंट पे रहते हैं कहीं पर भी, अगर दिल्ली रहते हैं बम्बई रहते हैं तो सोचते हैं वहाँ का पता देंगे तो सारा पेपर हमको वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है, यहाँ से पेपर वगैरह डिलीवर वगैरह की बात नहीं, यहाँ पे अस्थाई पता है पूछ रहा, अस्थाई मतलब फिक्स, जो आपका परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं अभी मतलब होगा, जो अस्थाई है अभी, अगर रेंट पे रह रहे हैं तो चेंज वगैरह होता रहता है तो वो अस्थाई नहीं है, उसको अस्थाई बोला जाता है, तो अस्थाई पता लिखेंगे जो भी है, जैसे चकदा मधुबनी है तो चकदा मधुबनी लिखेंगे, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, ये स्पेस रहेगा, ठीक है, ये डेमो है उसलिए इतना आपको नहीं, लेकिन उसमें स्पेस रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कम स्पेस रहता है, छोटा छोटा लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए खाता नंबर लिखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो है इसमें आपको क्या करना है, खाता नंबर लिखना है, तो जगह रहेगा तब नया पुराना लिखना है, जगह रहेगा तो नया भी आप पुराना भी लिख देंगे, अगर नया नहीं पता है तो सिर्फ पुराना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाता संख्या लिखेंगे, अगर स्पेस रहेगा तो दोनों, और नहीं तो पुराना लिखेंगे, तो पुराना खाता संख्या जो भी रहेगा 196, नया भी पता है तो वो भी, लेकिन वो उसलिए हम बोलते हैं आप लोग भरने के लिए, क्योंकि अगर सर्वे टीम को कोई भी नया खाता की आवश्यकता पड़ेगा जो ओरिजिनल सर्वे में हुआ, तो उनको यहाँ पे लिखा रहेगा तो आसानी होगा, सुविधाजनक होगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देते हैं तो अच्छा रहता है, वो स्पष्ट हो जाता है। खेसरा नंबर भी, यानी प्लॉट संख्या, खेसरा नंबर मतलब प्लॉट संख्या, उसमें भी वही करना है, कुछ नहीं कि आपको जो है सो पुराना लिखना है, अगर स्पेस रहेगा तो नया भी लिखना है, नहीं तो पुराना ही लिखना है, जैसे 156 ले लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रकबा,
रकवा आपको यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कट्ठा में लिख देते हैं, धूर में कट्ठा में, आपको धूर कट्ठा में यहाँ पर निकले। कभी भी जमीन का जो पेपर बनता है ना उसमें जमीन एकड़ डिसमिल हेक्टेयर में रहता है, तो एकड़ डिसमिल हेक्टेयर में लिखेंगे। क्या चीज़ में लिखेंगे, एकड़ में, देखिए रकवा एकड़ डिसमिल यहाँ पर लिखा है, तो एकड़ और डिसमिल में लिखेंगे और आप हेक्टेयर में लिखेंगे। बहुत सारे व्यक्ति रकवा देख लेते हैं यहाँ पर, ये पढ़ते नहीं हैं और कट्ठा के हिसाब से लिख देते हैं। तो हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 9 डिसमिल जमीन है तो 9 डिसमिल, ठीक है, लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब चौहद्दी में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, चौहद्दी जो है ना, जो पेपर में चौहद्दी है वही चौहद्दी लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं लिखना है। पेपर में जो भी चौहद्दी है वो तो साक्षात लगा ही रहे इसके साथ। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको जो है ना करेंट में वर्तमान समय में जो भी चौहद्दी है जमीन का उनका नाम देना है, क्योंकि वो नए आदमी है, जमीन का चौहद्दी वो स्पष्ट होगा। पुराने व्यक्ति तो उनका वो दो देहांत हो गए, वो चले गए, स्वर्गवास हो गए, अब उनको व्यक्ति को कितना नया बच्चा जानेगा। तो पुराना व्यक्ति का नाम ना देके जो आपको पेपर में, नए व्यक्ति का नाम दीजिएगा जिससे स्पष्ट हो रहेगा, ठीक है। तो इसमें चौहद्दी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो भी व्यक्ति हैं आपकी जमीन के चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन सब का नाम देंगे दिशा के नाम के साथ। अब बहुत सारे व्यक्ति जवाबबंदी नंबर, तो जवाबबंदी नंबर बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जवाबबंदी जबर नंबर पता नहीं रहते तो इसमें वो लिख देते हैं, मतलब जमीन जैसे जवाबबंदी नहीं है तो जवाबबंदी नहीं है। अब जवाबबंदी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे खाली छोड़ दीजिए, अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन का जवाबबंदी कायम नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। स्पष्ट क्या है कि जवाबबंदी नहीं है, अरे आप है कि नहीं है आपको, वो भी बहुत सारे व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है, क्योंकि पेपर वगैरह नहीं निकलवा पाते हैं, या बहुत कारण हो सकता है, खाली छोड़ दीजिए। वो सर्वे टीम अपना उसको देखेंगे, नहीं देखेंगे, जो भी करना है सर्वे टीम। अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है ना, तो सर्वे में ज़मीन का पूर्ण रूप से सर्वे होगा, खतियान निर्गत किया जाएगा और आपका जमीन का रसीद वगैरह करना लगेगा, जवाबबंदी नंबर कायम हो जाएगा, ये समझिए, ठीक ना। तो ये गलती नहीं करना। इसी प्रकार जितने भी भाई हैं सभी भाई को करेंगे, अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खाना है, अगर आप 10 भाई हैं 12 भाई हैं 9 भाई हैं तो क्या करेंगे, ऐसा खाना अलग से एक सादा पेज पे बनाएंगे, क्या सादा पेज पे बनाएंगे, और इसी प्रकार डायग्राम बनाएंगे और ये स्पेस थोड़ा बड़ा बड़ा देंगे। अगर फॉर्म भी आपको छोटा मिल गया है, फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति का ये शिकायत रहता है कि सर फॉर्म में पूरी लिख नहीं पाते हैं, तो आप ऐसा ही ग्राम स्केल पकड़िए, ठीक है, स्केल पकड़िए और पहले आप पेंसिल से उसको क्या कीजिए, बनाइए, जब बन जाएगा फिर उस पर क्या कीजिएगा, पटरी रख के, स्केल रख रख के पेन चला दीजिएगा, जिससे क्या होगा वो पूरे, क्योंकि देखिए अगर उस पेंसिल से लिख देंगे तो मिटाया जा सकता है ना, लेकिन पेन से आपको देना है, ठीक है, कि नहीं तो फिर उसमें 2 नंबर काम भी हो जाता है, बहुत सारे व्यक्ति को ये पता नहीं है, तो वो कर दीजिएगा और पेन से ही, अब भरना पेन से ही है, डायग्राम अगर बना भी देते हैं तो आप कागजी से बना सकते हैं, भरना पेन से ही है, ठीक है, ये सब याद रखना। तो यही सब है और सबका वो आप खुद से बना के इसमें अटैच करके दे देंगे वंशावली, ठीक ना, के साथ जो भी पेपर है सब पेपर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे एक लिख देना है ऐसे करके, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे आगे है, यानी पीछे लगाए हैं तो इस प्रकार लिख देंगे, जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा, सर्वे टीम अपना समझ जाएंगे, ठीक ना। उसी प्रकार बहुत सारा पेपर वगैरह भी इसमें लगाना होता है, तो हम थोड़ा स्पीड में बता देते हैं क्या क्या पेपर लगाना है। देखिए पहला मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि वर्ष, मतलब मृत जमाबंदी रैयत की, अगर कोई रैयत है जो मर गए हैं उनका देहांत हो गए हैं जिसकी स्टेट को हुआ है, ठीक है, तिथि और वर्ष लिख देना है। जमाबंदी संख्या के विवरण मल गुजार, यानी जमीन का रसीद है लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये और ये समझ गए। खतियान की नकल, यानी खतियान है तो उसका फोटो स्टेट नकल यदि उपलब्ध है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दावा कृति भूमि से संबंधित दस्तावेज, अगर मान के चले इसके खतियान नहीं है, इसके आधार इस जमीन पे आपका मालिकाना हक है तो किस आधार पे,
जमीन जिस आधार पे है, केवाला है तो केवाला का लगाएंगे, जिस आधार पे रहेगा वो जमीन आपका अधिकार बता रहा है जो पेपर वो लगाएंगे। अगर साक्ष्य न्यायालय में आदेश हो तो आदेश ये देखिए, अगर जमीन पे केस वगैरह चला है और जजमेंट आपको मिल गया है आपके पक्ष में, वो ओरिजिनल मतलब पेपर लगाएंगे, ओरिजिनल पेपर, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदन, आवेदनकर्ता का हित अर्जित करने वाले, देखिए अगर मान के चलिए कोई जमीन है, अगर आप दान उन में या कुछ भी इस प्रकार से मिला है, तो उसके लिए जो है आपको जो एक संबंध, यानी एक संबंध उससे, मतलब किसी व्यक्ति को दान में मिला है उसका आप वंशज है, यानी उसका उत्तराधिकारी के रूप में आपको मिला है, तो उस व्यक्ति का जो है ना एक संबंध क्या है, बेटा है, पोता है, या जो भी चीज़ है, जो भी रिश्ता में लगते हैं, वो रिश्ता को स्पष्ट करना है, संबंध को, उसके लिए वंशावली बना के आपको देना है, ये भी आप समझ गए। और इसके साथ जो है आधार कार्ड लगा दीजिएगा, वोटर आई डी कार्ड है तो वोटर आई डी कार्ड लगा दीजिएगा, और यहाँ पर सभी जितने भी पट्टेदार इसमें नाम है सबको सिग्नेचर करा लीजिएगा, जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं उसका अंगूठा निशान लगा दीजिएगा, और पूरा पता लिखिएगा, और मोबाइल नंबर तो ऐसे लिखे ही रहेंगे प्रपत्र टू में, यहाँ भी अगर चाहेंगे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यही है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं इस प्रकार हैं, अभी थोड़ा देखिए नंबर जो है ना थोड़ा बिजी ज़्यादा हो गया है, व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कीजिए, जो भी जानकारी लिया व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करेंगे तुरंत आपको एक रिप्लाई जाएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे काम बताया गया है, ठीक है। और दूसरा बात, जो भी अमीन का ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं सर कॉल रिसीव नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको हो जाएगा। और बहुत सारे व्यक्ति एडमिशन वगैरह यहाँ कैसे क्या ट्रेनिंग होता है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम एक शॉर्ट बता देते हैं, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, यहाँ रह के भी कर सकते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहेंगे अगर तो मधुबनी नहीं तो पटना में, आपको दोनों में से एक जगह करना होता है। करने के बाद आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, गवर्नमेंट अमीन लाइसेंस मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन भी हो जाएंगे, जिसके लिए आप अलग से एक आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एक लाइसेंस मिलेगा, वो सर्टिफिकेट अलग होता है, वो अलग होता है। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार है सो बोलेंगे वही रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, तो वो सब आपको बस घुमा रहे हैं कुछ नहीं, ठीक ना। और आपको इस यहाँ के बारे में और जानकारी बताना चाहेंगे तो ये पूरे बिहार और पूरे झारखंड में एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पर दिखलाती है, इसके अलावा पूरे बिहार और पूरे झारखंड में नहीं है जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पर दिखलाती है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं यहाँ है वहाँ, हज़ारों हैं कराने के लिए, हज़ारों हैं, लेकिन कोई ऐसा इस प्रकार नहीं है जो गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करती है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, जानने के लिए और डिटेल्स जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको फुल डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, सर्वे का हर अप टू डेट आपको मतलब सर्वे से जुड़ा हर जानकारी मिलता रहे, तो आराम से आप इस चैनल को से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चाहे फॉलो करना हो या आपको सब्सक्राइब करना हो या जो भी करना हो, आप आराम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।